गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। आप लोग जब भी कहीं भी ऐसा सुनते हैं ना कि ज़्यादा पानी पीने से आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, साथ में आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो उस दिन से आपका सारा फोकस अपने पानी पीने पे होता है। आप खाना भूल जाते हैं और सारा दिन पानी पीने की वजह से वॉशरूम में बैठे रहते हैं। तो जब भी आप ये चीज़ें सुनते हैं तो आपका हाल कुछ यही होता है, लेकिन ये जो हैबिट है, ये जो रूटीन है, वो एक से दो दिन ही चल पाता है, क्योंकि हम खाना खाए बिना एक से दो दिन ही रह सकते हैं और सारा दिन वॉशरूम में बैठे रहने की वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं। तो गाइज हम ये हैबिट एक से दो दिन बाद छोड़ देते हैं। तो ये तो हमें सभी बता देते हैं कि आप लोगों को अगर हेल्दी स्किन और ग्लोइंग स्किन और हेल्थ अच्छी चाहिए तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक दिन में हमें मिनिमम कितना पानी पीना चाहिए जिसके साथ हम अपनी बाकी सारे रूटीन को भी फॉलो कर पाएं सही से। ये हमें कोई नहीं बताता, ना ही कहीं हमें लिखा हुआ मिलता है। तो गाइज आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोगों को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए आपकी अच्छी ग्लोइंग स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसी अमेजिंग और भी वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं हम कैसे मेजर करें कि एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए। गाइस कुछ दिनों से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आजकल ऑनलाइन एग्जाम है, सारा ही पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से, सारा पेपर सब्जेक्टिव होने की वजह से पूरा दिन पेपर चेक करने में ही चला जाता है और ऑनलाइन पेपर चेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरी आँखें पूरी थक जाती है, मैं पूरे दिन पेपर चेक ही करती रहती हूँ और फिर मेरे से सुबह सुबह उठा नहीं जाता और मैं वीडियो सुबह सुबह 5:30 बजे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा रूटीन में नहीं आ पा रही है। कल से गाइज आप लोगों को वीडियो टाइम से और डेली बेसिस पे मिलने लगेंगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए आपको सबसे पहले अपना वेट मेज़र करना है। आप लोगों का जो भी वेट है फिर उसको आपको 30 से डिवाइड कर देना है। जब आप उसे 30 से डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आपके पास आएगा आपको एक दिन में बस उतना ही पानी पीना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का वेट 45 kg है और जब आप उसे 30 से डिवाइड करेंगे तो कुछ 1.5 लीटर के आसपास आपको एक दिन में पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप पता लगा सकते हैं कि आप लोगों को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। और गाइज ये अगर आपको पहले से नहीं पता था तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इस हैबिट को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, ऐड कीजिए। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा स्किन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। तो गाइज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे अगर आप लोगों को पसंद आई है तो, और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।